हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर मैट्रिक्स। गाइस, आज किस एपिसोड में आपके लिए डिटेल वॉकराउंड रिव्यू लेकर आए हैं एमजी विंसर का, जहां पर हम इसके प्राइजेस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस एंड मोर ओवर इसे कंपेयर भी करने वाले हैं कि इसके बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल में आपको कौन कौन से फीचर्स के डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। सो प्लीज़ वी द वीडियो टिल द वेरी एंड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंटेंट मिस ना करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले बात गाड़ी के फ्रंट डिजाइन की करें तो गाड़ी के जो फ्रंट डिजाइन है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब देख के आपको एक बार जरूर लगेगा कि ये इलेक्ट्रिक कार है। इसके फीचर्स को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको ये LED DRLs यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। इधर आपको LED प्रोजेक्टर का पूरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप इसका बेस वेरिएंट अगर ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स का फंक्शन नहीं अवेलेबल कराया जाता है। इसके टॉप एंड जैसे ये इसका टॉप एंड है एक्सेंस, तो इसके अंदर आपको कॉर्नरिंग हेडलैम्प का फंक्शन अवेलेबल कराया गया है। तो टोटल इस कार के अंदर आपको 3 वेरिएंट्स अवेलेबल कराए गए हैं। पहला है एक्साइट, दूसरा है एक्सक्लूसिव एंड तीसरा है एक्सेंस। एक्सेंस इसका टॉप एंड वेरिएंट है। तो साथ ही साथ हम इस वीडियो में एक कंपैरिजन भी करने वाले हैं कि इसके बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल में आपको कौन कौन से फीचर डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसके प्राइजेस की तो इसके प्राइजेस जो हैं वो 9.99 लाख रुपीज़ इंट्रोडक्टरी प्राइजेस है इसकी बेस वेरियंट की विदाउट बैटरी पैक। अगर आप इसका बैटरी पैक वाला वेरियंट ऑप्ट करना चाहते हैं तो 13.50 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो गए, 15.50 लाख रुपीज़ तक के मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट लाइक एक्साइट, एक्सक्लूसिव एंड एक्सेंस। तो अब बात करते हैं कार के डिज़ाइन एलिमेंट्स की। तो कार के जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे LED का सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। MG का जो ये लोगो है ना ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है ग्लो करते हुए। आई डोंट नो ये वीडियो के अंदर कैसा फील हो रहा है आपको, बाकी ये ग्लो करते हुए काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ये इधर ग्रिल मिल जाती है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में, जो कि काफ़ी सुंदर दिखती है। और ये इधर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है यहाँ पे। बाकी कार के अंदर 360 कैमरा आता है तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये कैमरे का प्रोविज़न भी यहाँ पे दिया गया है। बात कर लेते हैं कार के साइड प्रोफाइल की, वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस कार के अंदर। तो सबसे पहले जब आप साइड से इसको नोटिस करोगे ना तो ये कार का डिज़ाइन एलिमेंट कुछ आपको ऐसा दिखने का, एक MPV टाइप का इसका जो डिज़ाइन है वो रखने की कोशिश करी गई है। बाकी ORVM जो है वो आपको डुअल टोन के साथ में देखने को मिलते हैं, पियानो ब्लैक और बॉडी कलर के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि 360 कैमरा आता है तो उसके लिए भी कैमरे का प्लेसमेंट यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी कार को चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे ये दिया गया है फ्लैप, इसको आप प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। बाकी इसमें AC और DC दोनों ही चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल कराए गए हैं, तो एक अच्छी चीज़ आती है। बाकी इसके व्हील साइज़ की बात करें तो इसमें आपको जो है 215/55 R18 इंचेस के अलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। फ्रंट के साइड आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लीयरेंस जो है आपको इसमें ऑलमोस्ट 185 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाती है, विच इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस टाइप ऑफ कार्स। और फ्लश टाइप डोर हैंडल्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। इसको जस्ट ओपन करने के लिए आपको जब कार अनलॉक हो जाती है तो ये बाहर ही रहता है, इसको इलेक्ट्रिकली। अच्छा, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये टॉप एंड है इसका एक्सेंस, तो इसके अंदर जैसे ही गाड़ी अनलॉक होगी तो इसके जो डोर हैंडल्स हैं ना ये ऐसे ओपन रहेंगे। और अगर इसका बेस वेरिएंट आप ऑप्ट करते हैं एक्साइट या फिर एक्सक्लूसिव तो उसके अंदर आपको मैनुअल फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, मतलब वो अनलॉक तो हो जाएंगे बट उसको अगर आपको ओपन करना है तो ये बाहर करके निकालना होगा, तो वो एक मेजर डिफरेंस है यहाँ। बाकी ये विंडो वीडिंग आपको यहाँ पे क्रोम में देखने को मिल जाती है। और जो अंदर का एरिया है ना वो काफ़ी बड़ा हो लगता है क्योंकि जो ग्लास एरिया है ना ये काफ़ी अच्छा है। इधर यहाँ पे छोटा सा क्वार्टर पैनल भी अवेलेबल करा दिया गया है। रियर के साइड भी आपको ड्रम ब्रेक मतलब डिस्क ब्रेक अवेलेबल करा दिए गए हैं। मेनली जो है इसके बेस और टॉप में जो आप डिफरेंस नोटिस करोगे ना तो एक चीज़ ये है कि इसमें आपको ये फुल पैनोरामिक ग्लास इधर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा इसके टॉप एंड वेरिएंट में, वहीं अगर आप इसका बेस वेरिएंट ऑप्ट करेंगे ना तो वहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि आपको इसके टॉप एंड में जो है वो 360 कैमरा देखने को मिल जाता है और वहाँ पे आपको ये 360 कैमरा ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कार के रियर प्रोफाइल की कि वहाँ पे आपको कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं इस कार के। तो अब बात कर लेते हैं विंडशील्ड की रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल को जब आप देखोगे ना तो इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आपको लगने वाले हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप इसकी जब भी लाइट्स या ये बैजिंग वगैरह आप देखेंगे या फिर जो भी एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पे वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं मेरे को पर्सनली। सबसे पहले तो मैंने नोटिस करोगे आपकी कि कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाती हैं, फुली LED हैं, आपको LED रियर फॉग लैंप्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं, वो एक चीज़ आती है। MG का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये विंडशील्ड की बड़ी बैजिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। EV की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं यहाँ पे, आपको रियर डिफॉगर वगैरह भी अवेलेबल कराया गया है।
और अब एक चीज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके बेस और टॉप में रेयर में क्या डिफरेंस रहता है। तो इसके बेस वेरियंट में ना आपको जो है ये आपको ब्लैक में देखने को मिलता है, और टॉप एंड में जैसे कि आप टॉप वेरियंट देख रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्रोम के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इसकी रेयर प्रोफाइल में, बाकी अदर देन दैट सब कुछ सेम है यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं विंडशील्ड की बूट स्पेस की, कि वहाँ पे आपको कौन कौन से एलिमेंट्स मिल जाते हैं, स्पेस कितने मिल जाती है आपको। तो स्पेस तो आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, अराउंड 604 लीटर्स की बूट स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ आती है अपने आप में ही। और इधर आपको अंदर नहीं अगर आप देखते हो तो ये आपको बैटरी पैक और ये चीज़ें सिंबल्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। बाकी सीट के अंदर जो है आपको 60-40 स्प्लिट सीट का फंक्शन अवेलेबल करा दिया गया है। इधर आपको बूट लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई हैं। चलते हैं कार के अंदर, वहाँ देखते हैं कौन कौन से फीचर्स आपको अवेलेबल कराती है गाड़ी, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो इस कार के अंदर है। तो लेट्स गेट इनसाइड द कार। तो गाइस अब आ चुके हैं एमजी विंडशील्ड के अंदर, और यहाँ पे बताने के लिए बहुत 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 सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप इसका नोटिस करने वाले हैं 15.6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं, चाहे आप एंड्रॉइड ऑटो की बात करें या एप्पल कारप्ले की बात करें, और मल्टीपल चीज़ें आप इससे यहीं से ऑपरेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से लाइट का अपर डिपर थ्रो वगैरह जो भी है, बहुत सारी चीज़ें आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन है 15.6 इंच की है, और ये यहां पे आपको दूसरी स्क्रीन ड्राइवर जो डिस्प्ले है वो 8.8 इंच की देखने को मिल जाती है, जहां पे भी आपको मतलब ऑलमोस्ट सारी जैसे बैटरी परसेंटेज रेंज हो गया और उसके कंट्रोल्स डोर वगैरह जो भी मतलब ड्राइवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर जो आपको जो नॉर्मली डायल टाइप में रहता है मोड्स, जैसे रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, पार्किंग, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, तो वो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली हो जाती है इधर। बाकी जो वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो आपको इधर मिल जाते हैं, और हेडलैम्प के रिलेटेड कंट्रोल तो आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे, आपको अपर डिपर, फॉग लाइट, रियर लाइट जो भी आपको करना है ऑपरेट वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑटोमेटिक बेसिकली हेडलैम्प फंक्शंस इसमें कार के अंदर आते हैं, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे हो जाती है। और एक चीज़ और मैं भी आपको बता दूं कि जो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है 15.6 इंच की, ये ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री फर्स्ट है। इतना बड़ा आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम किसी कार के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और एक चीज़ और बता दूं कि इसके अंदर आपको टोटल 9 स्पीकर का सेटअप देखने को दिया गया है, जिनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। और एक चीज़ और कि आपको इस कार के अंदर ना बहुत ही कम बटन्स का इस्तेमाल किया गया है, आपको ज़्यादातर यहाँ पे टच बटन्स का ही यूज़ किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमल ये इतनी कम बटन्स हैं, उसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पे और कोई बटन यहाँ पे है। बाकी इधर साइड आपको ये क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, ये मल्टीमीडिया से रिलेटेड कंट्रोल इधर आपको दे दिया गया है, और ये जो स्टीयरिंग है वो आपको जरूर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। स्टीयरिंग जो है बेसिकली इसका काफ़ी स्पोर्टी है, मतलब अगर आप इसे टच करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है। इस पर आपको स्टिचिंग्स वगैरह भी अवेलेबल करा दी गई हैं, तो वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है यहाँ पे। बाकी आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है सराउंड्स में, चाहे आप इधर ही साउंड्स में इधर साइड में देखें या इधर देखें आप इसके इस साइड में। बाकी इधर आपको ये वायरलेस चार्जर भी अवेलेबल करा दिया जाता है, और जैसे कि मेरा फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो ये इधर मैं इसको रखूँगा तो ये चार्ज होने लगता है, ये देख रहे हैं आप ये चार्ज होने लग रहा है। बाकी आर्म रेस्ट के नीचे भी आपको एक अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है। इधर साइड आपको ये 3 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको एक ये एयर प्योरीफायर भी रखा हुआ है एनजी की तरफ से, तो वो एक अच्छी चीज़ आती है। बाकी यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। एसी विंड्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, बाकी जो डैशबोर्ड का ऊपर का मटेरियल है वो सॉफ्ट टच के साथ में आता है, बाकी इधर आपको हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिलता है, तो वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है। बाकी इधर जो है ये आपको सनरूफ नहीं है, काइंड ऑफ मून रूफ है, वो ओपन नहीं होता है, बट एक फिक्स ग्लास आपको इधर देखने को मिल जाता है, तो आप उसे एंजॉय कर पाएंगे, वो एक अच्छी चीज़ रहती है इधर यहाँ पे। बाकी इसकी चाबी की बात करें तो चाबी के अंदर आपको ये 3 बटन देखने को मिल जाते हैं, और एक्चुअली जो इसकी की है काफ़ी प्रीमियम फील होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल नहीं कराते, बस इसका जो फील है ना वो काफ़ी प्रीमियम है। इसके अंदर आपको अनलॉक, लॉक और बूट का बटन देखने को मिल जाता है।
इधर साइड आपको जो है ये वैनिटी मिरर वगैरह मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको एक लाइट भी अवेलेबल करा दी गई है। आप इसे एक्सटेंड करना चाहें तो यहाँ तक एक्सटेंड भी हो जाएगा ये। और इधर साइड भी आपको सेम वही चीज़ मिल जाती है, अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, और आपको लाइट भी यहाँ पर अवेलेबल करा दी गई है। बाकी सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो आपको जो है ये सीट जो है 6 बे पावर एडजस्टेबल सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। आप हाइट के लिए भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, आप रीच के लिए भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन एंगल जो है ना वो भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी रहती है। और इसका जो कंफर्ट है, साथ ही साथ जो सीट है ना ये वेंटिलेटेड है, तो वो एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हम साथ ही साथ एक क्विक कॉम्पेरो टाइप में करेंगे कि आपके आपको जो है इसके टॉप एंड में और जो बेस वेरियंट है उसमें कौन कौन से डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे जो इंटीरियर में मेजर जो डिफरेंसेस है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे ये टॉप एंड है ना, इसके अंदर आपको 15.6 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है विद एंड्रॉइड एंड एप्पल कारप्ले। वहीं अगर आप इसका बेस वेरिएंट ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ जो है वो 10 इंच की डिस्प्ले आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ ड्राइवर डिस्प्ले है, ये यहाँ पे आपको 8.8 इंच की मिलती है, वो वहाँ पे आपको 7 इंचज़ की देखने को मिल जाएगी। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको जो है टॉप एंड में 9 स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको टोटल 6 स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिलता है। और चौथा एक मेजर डिफरेंस आप इसे भी काउंट कर सकते हैं कि जो मून रूफ है आपको ये, हालांकि ये फिक्स ग्लास ही है पर आपको ये सिर्फ टॉप एंड में मिलता है, आपको रेगुलर रूफ मिलती है बेस वेरियंट में अगर आप उन्हें ऑप्ट करते हैं तो। बाकी स्पेस के वाइज गाड़ी सॉर्टेड है, यहाँ पे आपको एक्सेलरेटर और ब्रेक का पेडल दिया गया है। जो भी जो नॉर्मली कीज़ वगैरह है ना वो इल्यूमिनेशन फंक्शन के साथ में आती है, तो वो एक अच्छी चीज़ आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो ऑल पावर विंडो का कंट्रोल है वो आपको इल्यूमिनेशन के साथ में देखने को मिलता है। वन टच रोल अप एंड रोल डाउन फंक्शन, ड्राइवर विंडो भी मिलती है। और इसका डोर हैंडल काफ़ी यूनिक है, मतलब आप यहाँ पे देखोगे ना ये सॉर्ट ऑफ गन मेटल फिनिश देखने यहाँ पे आप मिलती है। ये पूरा पैनल यहाँ से यहाँ तक आता है, जो पार्ट डोर हैंडल का है वो ये है। तो ये पार्ट जैसे इससे आप डोर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ अच्छी रहती है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आपको ये सॉर्ट ऑफ वुडन फिनिश यहाँ पे देखने को दिया गया, वुडन ट्रीटमेंट दिया गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो एक चीज़ अच्छी रहती है यहाँ पे। बाकी ये ग्लव बॉक्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में आता है, डीप है और कोल्ड भी है, तो वो एक चीज़ अच्छी रहती है। बाकी इधर आपको ये एसी के स्विचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इधर नीचे की साइड आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ये चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं यहाँ पे आपको, और ये यूएसबी है इधर, और इधर आपको ये टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाता है, और इधर साइड आपको ये काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है। एक्चुअली काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, आप उन्होंने बहुत सारा स्टफ वगैरह पुट कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। और इधर आपको जो ये भी है, ये बटन भी इल्यूमिनेशन फंक्शन के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको ये पार्किंग का जो मोड है वो भी आपको इल्यूमिनेशन फंक्शन के साथ में आता है। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के सराउंड्स में देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो फील है इस कार के अंदर बैठने का, तो आपको ऐसा ही फील होगा कि आप कोई प्रीमियम कार के अंदर बैठे हो, और इस कार को उस हिसाब से डिज़ाइन भी किया गया है। आप चाहे कोई भी एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पे, जैसे ड्राइवर टच पॉइंट्स हो गए, सारे के सारे सॉफ्ट टच में मिलते हैं। आप यहाँ हो गया, इधर हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया, डैशबोर्ड हो गया, यहाँ पे आपको ये बॉटल होल्डर या कप होल्डर भी यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया गया है। ट्विटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, मून रूफ हो गया, इधर ये आपको सन वाइजर हो गया, यहाँ पे आपको लाइट वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी गई हैं, तो वो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी रहती है। और अब चलते हैं इसकी सेकेंड रो पे। मेजरली जो इसका कंफर्ट फैक्टर है ना वो आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो आ चुके हैं MG विंडसर की सेकेंड रो पे, और इसके जो सेकेंड रो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है गाइस। इसके मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो थाई सपोर्ट है ना, एम्पल ऑफ थाई सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। लेग रूम में भी कोई कंप्लेन नहीं है, और हेड रूम भी बहुत ज़्यादा इनफ है मेरे लिए। और इसकी एक चीज़ खास ये है कि इसकी जो सीट्स है ना, रियर सीट्स, उसको 135 डिग्री तक आप रिक्लाइन कर सकते हो। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी सोफे के अंदर बैठा हुआ हूँ या लेटा हुआ हूँ। तो इसके अंदर बैठ के ना आप कितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रिप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जो सीट्स हैं ये भी लेदरेट्स हैं, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी अवेलेबल यहाँ पे कराया गया है, तो वो एक चीज़ अच्छी हुई है यहाँ पे। बाकी अगर इसके डिफरेंसेस की बात करूँ मैं कि टॉप एंड में और बेस एंड में क्या डिफरेंसेस हैं मेजर, तो वो मेजर डिफरेंस जो है यहाँ पे आर्म रेस्ट का है, और आर्म रेस्ट में आपको ये ट्विन का फोल्डर्स भी अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो गाइस इसके जो सेकंड रो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेसियस है। और यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करूँ मैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं, तो सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको ये ग्रैब रेल अवेलेबल कराया गया है।
और इधर आपको लाइट वगैरह का प्लेसमेंट भी इधर देखने को मिल जाता है, तो वो एक अच्छी चीज होती है। बाकी इधर रियर एसी वेंट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं और एक स्पेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो जो मेन फैक्टर है इस कार के सेकेंड रो का वो है स्पेस। इसके अंदर आपको भयंकर स्पेस मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे 3 लोग अल्ट्रा कंफर्टेबली ट्रेवल कर सकते हैं कितनी भी लंबी डिस्टेंस, क्योंकि इसका जो फ्लोर है ना वो फुल फ्लैट है, आपको मीन छोटा सा भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। और तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको डेडिकेटेड हेडरेस्ट भी अवेलेबल करा दिए गए हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। और इस सब के बावजूद भी आपको 604 लीटर की बूट स्पेस भी अवेलेबल कराई जाती है। तो कुल मिला के स्पेस वाइज कंपेरिजन मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है इस कार के अंदर, तो वो एक चीज़ अच्छी बात है। तो वैसे भी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था कि इसकी जो सारी विंडोज़ है ना वो 1 टच रोल अप एंड रोल डाउन फंक्शन के साथ में आती हैं, चाहे वो रियर पैसेंजर्स की हो या फिर ड्राइवर की हो, को ड्राइवर की हो, सारी जो विंडोज़ हैं 1 टच रोल अप एंड रोल डाउन फंक्शन के साथ में आती हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको जो है वॉइस कमांड्स का भी फीचर अवेलेबल करा दिया गया है। और अभी मैं जो है इस वीडियो को कंक्लूड करने वाला हूँ कि इस कार के अंदर जो है अब आपको क्या बैटरी पैक्स मिलता है, क्या प्राइजेज हैं, क्या फीचर्स है, वेरियंट्स है, एक कंक्लूड कर देता हूँ मैं ओवरऑल जिससे आपको मिल जाए। तो इस कार के अंदर आपको बेसिकली 3 वेरियंट्स अवेलेबल कराए गए हैं, एक्साइट, एक्सक्लूसिव एंड एसेंस। एक्साइट इसका बेस वेरियंट है एंड एसेंस जो है इसका टॉप एंड है। जो आप ये देख रहे हैं ये इसका टॉप एंड वेरियंट है। इसकी प्राइजेस की बात करूँ तो जो वेयर कार की प्राइस है वो है 9.99 लाख रुपीज़, इंट्रोडक्टरी प्राइस है ये तो। और फिर अगर आप इसका जो है बैटरी पैक वाले वेरिएंट्स के साथ में ऑप्ट करते हैं तो 13.50 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो गए 15.50 लाख रुपीज़ तक मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट लाइक एक्साइट, एक्सक्लूसिव एंड एसेंस। तो ये चीज़ हो गई। बात करें इसके बैटरी पैक की कि इस पर आपको बैटरी पैक कितने का मिलता है, तो इसके अंदर 38 किलोवाट आवर की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, जो ऑलमोस्ट 120 BHP की पावर एंड 200 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। अलॉन्ग विद दैट आपको ARAI के थ्रू इस गाड़ी के अंदर 331 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देखने को मिल जाएगी। तो गाइज ये था एक डिटेल वॉकराउंड रिव्यू ऑफ MG विंडसर, जहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लैरिफाई कोशिश करने की कोशिश करी है, लाइक प्राइजेस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, कंफर्ट, ऑल दैट थिंग्स। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कॉन्टेंट मिस ना करें। थैंक यू।